अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? कैसे मेरे प्यारे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से 28वें रोज़े की सहरी है। ये सहरी तकरीबन 5 बजे का, 5:30 का टाइम था और देखें कितनी ज़्यादा रोशनी हो गई क्योंकि अब और मेरे हाथ के ऊपर आके ना एक दो बारिश की बूंदें भी पड़ी हैं। तो मैं रोज़ा रख के नमाज पढ़ के तस्बीह करके कुरान पाक पढ़ के आके लेटी थी। अभी यहाँ पे फ्री है और उसके पापा सो रहे। पंखे का शोर होगा आपको, कहाँ मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे चिड़ियाँ एक लाइन यो देखिए, चिड़ियाँ गुजरती, पंछी भी अपना रिजक लेने के लिए जा रहे हैं, जैसे हमारे मर्द बेचारे कमाने के लिए जाते हैं। हमारी बहनें भी कुछ जाती हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह व्यू सुबह सुबह, देखा कितनी माशाल्लाह चिड़ियाँ गुजर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। हम हैं पाकिस्तानी जुगाड़ी, ठीक है। वही जो रूटीन वाइज पकौड़े बनाती, वो पकौड़े आ गए, कुछ बनिया का सामान है। और ये मेरे रात के चिकन बनाया था स्पाइसी, पटक पटक हो रहा है उसमें पानी है। ये देखिए मैं इधर साइड पे हो गई कि मेरे ऊपर आ रहे थे, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उसके अंदर प्याज डाला है और मैं बात कर रही थी कि रात को मैंने बनाया था चिकन, तो वो थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इतना कुछ साथ है, ये आपको पता पकोड़े हैं और फिर यहाँ पे मैंने भलिए भगो के रखे, भलिए हैं। फिर उसके अलावा मैंने जो रात को ये कल फल रखा था, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने फल रख दिया था, ये फल है। तो मैंने कहा फिर ना ये सालन को ना आलू ये दो डाल के ना तो थोड़ा सा सालन बना लेते, वही सालन जो पड़ा हुआ है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला ये देखे, ये इतना से इसके अंदर मसाला ख़त्म हो गया। तो प्याज ऐसे थोड़ा सा प्याज फ्राउन करके जी इतने से आलू डाल के ना इतना सा बना लेंगे, इतना से खाया जाएगा। फिर आगे सुबह रोज़ा होता है, फिर नहीं खाया जाएगा। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। पकौड़े आपको पता है मैं कौन से बनाती हूँ, ये देख रहे हैं। भलिए भी आपको पता है, तो इसीलिए मैंने कहा चले यहाँ से शुरुआत दिखा दूँ आपको। आलू बॉयल हो रहे हैं, देखिए पकौड़ों का सामान मैंने बना लिया। कल वाली जो हमारी स्ट्रॉबेरी बची हुई थी वो अभी निकाली, वो साफ़ करके रख रही हूँ। कल वाला चाहिए, थोड़ा सा खरबूज़ा बचा है। बाकी ये जो कल मैंने रखा था, एक गरमा, एक खरबूज़ा और एक तरबूज और ये दो सेब और ये कुछ खजूरें, ये कल वाले हैं। और ये भलिए बना के रख दिए। यहाँ पे अभी टैंग बनेगा और यहाँ पे ये फ्रिया मैडम का कैचअप आया हुआ है, इसको आज पकौड़ों के साथ कैचअप चाहिए। और सालन ये देखें, रोटियाँ वो फिर मैंने न्यू आलू शोरबा बना के ये उसके अंदर डाल दिया। तो इतना सा सालन बना लिया, खाया कहाँ जाएगा। तो बस हस्बैंड ने खाना है और सुबह मेरे और बेटे ने और मैंने नाश्ता करना है, तो फिर ये पूरा आ जाएगा आपके सामने। भलिए वही जो मैंने आपको दिखा दी थी, नहीं रोज़े का टाइम होने वाला है। यूट्यूब फैमिली, मैंने आपको दिखाया था चीज़ थी, वो सालन भी हमारा बन गया। अच्छा आज इन्होंने टैंक भी बनाया है। मुझे तो टैंक नहीं पसंद है, मैं टैंक पीती नहीं, ये बाप बेटी पियेंगे, मैं तो ये सादा पानी पीऊँगी। मैं तो अपनी फेवरेट चीज़ें खाऊँगी बस। पकौड़े भी ये लोग खाएंगे, मैं भले ही खाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का। जितना शुक्र करें उतना कम है कि अल्लाह पाक ने इतना रिज़्क अता किया। अल्लाह पाक उनको भी दे जिनके पास नहीं है, और उनके सदके हमारे ऊपर भी ऐसी रहमत बनाई रखे। अब देखें आज दूसरे दिन मेरे काम आ गया ना ये सारा फल माशाल्लाह, जो मैंने कल बचा लिया था, क्योंकि हमें ज़ाया जाना था, बिल्कुल वेस्ट हो जाना था, तो आज कटिंग कर लिया। और इसमें से हमने फिर सारा थोड़ा 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 आज नीचे वाले को हमने रोज़ा खुलाया। तो फिर मैंने कहा मैंने तो ये खानी नहीं होती तो किस लिए बनानी, मैंने कहा यही बहुत है हम सब खा लेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैंने नीचे वाले को रोज़े का बोला कि आपको रोज़ा खुलाएँगे, तो ये बना दो फिर पकौड़े और भलियाँ। फिर उसकी वजह से मैंने पकौड़े और भलियाँ बनाई। मैंने कहा चलो आज उसकी रोज़ा हम रोज़ा अफ्तार करवा रहे हैं, तो फिर ये भी उसकी तरफ भेजें। फिर इसलिए मैंने सेब भी उसकी तरफ भेजा, खजूरें भी, ये पकौड़े भी, भलियाँ भी, स्ट्रॉबेरी, ये सब यानी कि उसकी तरफ भेजा, टैंक भी। तो इसलिए फिर आज टैंक भी बनाए। मैं तो पीऊँगी वो देखें सादा पानी। लाओ जी मुझे दे दो, साल का वीडियो बना लूँ आपके साथ शेयर कर लूँ जी। अब बस रोज़ा खुलने वाला है। ये जी मेरे 2-3 दिन की वीडियो इकट्ठी हैं जो मैंने आपके तक पहुँचा रही हूँ एक मुकम्मल व्लॉग बना के, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। हम सब की तरफ 28वें रोज़े की इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। 2 दिन रह गए जी पीछे रोज़े, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक हमें नसीब करे हर साल ये रोज़े रखने की, इतनी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और क्या कहते हैं, अल्लाह पाक हमें सबको कामयाबी दे, बीमारों को शिफा दे, बेरोज़गारों को आमीन सुमा। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हम फिर मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो सब, अल्लाह हाफिज़। आज हाँ जी आ जाए आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली, आप भी हमारे